मिर्ची बॉलीवुड में ड्रामा हो गया है। नरेन ने वो चीज़ की है जो मामा मम्मी का हक होता है, वो नरेन ने कर दिया है। उनका काफ़ी गुस्सा भी है, क्या हो रहा है? बेसिकली अभी तक नरेन और उनकी फैमिली को यही गलतफहमी है कि अंगराज की बॉडी हम लोगों ने छिपा रखी है, और यही वजह है कि नरेन बहुत ही गुस्से में हैं और अपने पावर का दम दिखा रहे हैं, लाल बत्ती का दम दिखा रहे हैं। और आज उन्होंने अनुज की बॉडी लेकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया, और पूरे परिवार को एक बार आखिरी बार चेहरा देखने तक नहीं मिला अनुज का। और आखिरी अग्नि जो होती है वो मामा जी को देने का हक था, वो भी नरेन ने कर लिया। तो बेसिकली पूजा जो है वो बहुत ही अपसेट है और बिलीव नहीं कर पा रही है कि नरेन इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं नरेन भी बहुत हर्ट है, क्योंकि उनको यही लग रहा है कि अभी भी पूजा और उनकी फैमिली ने अंगराज की बॉडी छिपाई हुई है। बेसिकली इस कन्फ्यूजन की वजह से, इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लड़ाई सिर्फ अब पूजा और नरेन के बीच में नहीं है, दो परिवारों के बीच में है। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी बिग। पर कहीं ना कहीं नरेन तो अंगराज के मैटर से ज़्यादा गुस्सा इसलिए कि आप उनके उतर गई है, उनके खिलाफ अगेंस्ट खड़ी हो गई है। हाँ, मजबूरी में पूजा को ये कदम उठाना पड़ा कि उनके अपोजिट पार्टी के साथ फेस ऑफ द पार्टी बनना पड़ रहा है पूजा को। रीज़न बीइंग कि वो अनुज को पावर के दम पे, नेता होने के दम पे लेकर चले गए हैं अनुज की बॉडी को, और उसको रिलीज़ करवाने के लिए पूजा को अपोजिट पार्टी के लीडर की हेल्प मिलती है, और उसी की वजह से अनुज की बॉडी जो है वो पूजा क्लेम कर पाती है। सो अब नरेन ने तो कर दिया है जो उसे करना था, पूजा क्या करेगी इस सिचुएशन में? काफ़ी हर्ट है पूजा इस समय, और उसने कसम भी खाई है अपने भाई की कि अब वो सिर्फ लड़ेगी नहीं इस इलेक्शन में, वो उनको हराएगी भी। थैंक यू।